श्री नैना देवी जी विधानसभा चुनाव क्षेत्र की ग्राम पंचायत री के गांव ददवाल निवासी रूपलाल की जमीन से मात्र 3 फुट दूरी पर बिजली की तारें गुजर रही है। हाई वोल्टेज तारों की वजह से कभी भी कोई हादसा हो सकता है। रूपलाल ने पत्रकारों से रूबरू होते हुए कहा कि इस समस्या को लेकर विभाग को अवगत करवाया गया, लेकिन समस्या जस की तस बनी रही। यहां तक कि मैंने इस समस्या की मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1100 पर भी शिकायत दर्ज करवाई, लेकिन विभाग ने बिना मौके का मुआयना किए ऑफिस में बैठकर तथ्यों के विपरीत रिपोर्ट भेज रहे हैं। विभाग के अधिकारियों के खिलाफ गलत रिपोर्ट भेजने के बारे की गहनता से छानबीन की जाए। रूपलाल ने प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से आग्रह किया है कि हमारी समस्या का हल प्राथमिकता के आधार पर करवाया जाए। उसके बाद 1100 पर कंप्लेंट की गई, तो जब 1100 पर कंप्लेंट की तो और जेई ने रिपोर्ट भेजी कि इनको कोई इसकी समस्या नहीं है, ये तारें डेंजर जोन में नहीं है, इनका कोई नुकसान नहीं है और ये तारें बिगड़ाने लाइन को, जिसके लिए हमारे पास बजट नहीं है। ये सरासर झूठी रिपोर्ट और मौके के तथ्य जो है यहाँ सामने दिख ही रहे हैं कि तारें जो है मेरे सिर से भी नीचे हैं। तो इसलिए मेरे निवेदन है मुख्यमंत्री महोदय से, इसके बारे में देखा जाए और जो विभाग के कर्मचारी गलत रिपोर्ट भेज रहे हैं उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, ताकि आम जो पब्लिक है वो परेशान ना हो, जैसे कि मेरे को किया जा रहा है। पूर्व BDC मेंबर ई पंचायत और बहल आज मैं अपने गांव वाली पाल खड़ा हूँ। यहाँ की समस्या है जो बिजली आ रहे आई हैं वो जमीन से सिर्फ 3 या 3.25 फुट, जिनका ये मकान या जो यहाँ के बसे हैं वो रूपलाल जी जो नायब तहसीलदार रिटायर भी यहाँ खड़े हैं आपके सामने, तो ये समस्या कई बार विभाग से उठा चुके हैं। इन्होंने जवानी भी बोला और SDO एक्शन को विभाग को कई बार बताया गया, पर आज तक इस समस्या का हल नहीं हुआ। बीच में फिर 1100 नंबर पे जो CM हेल्पलाइन है उसके ऊपर कॉल की गई, तो जवाब आया वहाँ से कि आपके SDO ने जो यहाँ का SDO था कि वहाँ कोई खतरा नहीं है और मेरे पास बजट नहीं है और मेरे पास लेबर नहीं है, तो उस बहाना ला करके कि उसको उनको कोई खतरा नहीं, उनको ज़रूरत भी नहीं है, वो दबाव डाल करके हमारे से खंभा बदलाना चाहते हैं। तो मेरा निवेदन है कि गांव के नाते या एक सरकार के माध्यम में जो नहीं अधिकारी काम कर रहे हैं उनके प्रति जो रवैया है बताना फर्ज है। तो हमने बताया कि देखो भाई, यहाँ का कोई जान माल का नुकसान हो गया, गरीब बूढ़ा जवान स्त्री या पशु वगैरह जानवर वगैरह यहाँ कोई फंसता है तो सारी जिम्मेदारी विभाग की होगी, ना कि इनकी। अगर नुकसान होने के बाद क्या हो, जो किसी मतलब गांववासी को जिम्मेदार को नुकसान हो गया, क्या उसकी भरपाई सरकार कर देंगे? इसलिए मेरा निवेदन है कि जिन्होंने ये गलत रिपोर्ट दी है कि यहाँ कोई ऐसी नहीं है, आपको आपके सामने देखने को मिल रहा है कि ये लाइन ऊपर से नीचे को गई है और यह ना इसको बदलना है, ये नीचे घर के 10-12 घर हैं तो भी उनको भी कनेक्शन है, तो ये सिर्फ यहाँ खंभा लगाने की ज़रूरत है। इसके लिए पहले भी जब लाइन बिछाई गई थी तब भी बोला था कि ये नीवी है, उन्होंने बोला आज कल खंभे कम हैं फिर लगा देंगे। तो हमारी बार बार विभाग से सरकार से यही प्रार्थना है, अगर इसमें झूठ है तो आकर के BDO या SDM साहब या विभाग के SDO एक्शन या DC साहब किसी की ड्यूटी लगाएं और इसको मौके पर आके देखें कि सच क्या है। अगर ये परिवार झूठ बोलता है या गलत था तो हमें रिपोर्ट हमें सजा मिलनी चाहिए, अगर सच है तो इनका काम होना चाहिए और जिन्होंने आज तक लटकाया हुआ है उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। तो मेरी बार बार प्रार्थना है पत्रकार बंधुओं से भी और विभाग से भी और जो हमारे हिमाचल के लोकप्रिय मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू जी हैं और उनसे भी मेरा निवेदन है, यहाँ के जितने भी नुमाइंदे हैं वो इस बात को सुनिश्चित करें
कि ऐसा कई जगह मैंने और भी देखा, कई पंचायतों में भी ऐसा हाल है भाई, किसी भी पंचायत में ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अगर ऐसा है तो जब भी नुकसान होता है फिर उससे होने से कोई फायदा नहीं होता। मेरी बार बार फिर यही बेनती है कि जिन्होंने ये गलत किया है उनको सजा मिलनी चाहिए और इस नुकसान से बचाया जाए। जय हिंद, जय भारत।